दिमाग लगाते हैं और उस पैसे का यूज करते हैं, फिर पूछा जाता है कि तुमने क्या बिजनेस किया। अच्छा स्कूल पे कर रहे हैं, स्कूल पे हो रहा है, स्कूल में हो रहा है। अच्छा अच्छा फिर टीचर पूछते हैं कि क्या किया आपने, उस पैसे का आपने क्या किया। अच्छा वो अपनी अपनी ग्रोथ दिखाते हैं बच्चे, तो फिर जो सबसे बढ़िया टॉपर चलता है उसको वो और इनाम देता है। ओ ठीक है ना, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए सर। ये सभी सरकारी शाला पे चल रहा है, सरकारी में, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी शोरूम में ना चल रहा है। जो हॉस्पिटल में पंखे नहीं होते थे वो उसने एयर कंडीशनर कर दिए। अच्छा और फ्री है। हाँ। कोई भी डॉक्टर ऐसी दवाई नहीं लिख सकता कि जो हॉस्पिटल के अंदर ना हो। हाँ हाँ। वही दवाई लिखेगा जो हॉस्पिटल के अंदर है। ओके। और देने वाला मना नहीं कर सकता डॉक्टर की लिखी हुई दवाई को। तो फिर और क्या चाहिए, जगह जगह कैमरे। जो आप बोला ना वो स्कूल पे सभी लोग को बच्चों को 15,000 देता है, 1500 देता है पर बच्चे पे, 1500 रुपए देता है बिजनेस के लिए। और वो ग्रुप में बिजनेस करते हैं बच्चे। अच्छा। दो बच्चे का ग्रुप, चार का ग्रुप, 10 का ग्रुप, 20 का ग्रुप बिजनेस करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि आपने क्या किया, फिर बच्चे बताते हैं, जिसका सबसे टॉपर होता है उसको इनाम देता है, फिर और दोबारा देता है। इनाम मतलब और एक्स्ट्रा देगा। हाँ एक्स्ट्रा देता है उनके बिजनेस को चलाने के लिए। मैं और एक पूछना, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल पे चल रहा है? गवर्नमेंट में नहीं। प्राइवेट की तो हालत खराब कर रखी है इसने। हाँ हाँ। प्राइवेट की तो फीस नहीं बढ़ाने देता, डोनेशन नहीं देने देता। हाँ हाँ हाँ। सो बहुत कर रहे हैं, बहुत कर, बढ़िया काम कर। क्या क्या फ्री लग रहा है, मिल रहा है अभी जी? क्या क्या फ्री मिल रहा है अभी गवर्नमेंट से? बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ, दवाइयाँ मतलब फ्री हैं। फिर बुजुर्गों के लिए यात्रा फ्री, जैसे यात्रा फ्री कहाँ से लेके जाएगा? दिल्ली से लेके जाएगा, कहीं भी घुमाएगा। सिर्फ बुजुर्गों को, बुजुर्गों को सिर्फ दिल्ली पे ना, दिल्ली के बुजुर्गों को घुमाने के लिए ले जाता है और एसी बस में, एसी रूम में, होटल में रखता है। किसको? तो ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड एज उसके साथ जो है एक बंदा जा सकता है। हाँ। बुजुर्गों के साथ एक बंदा घर का जा सकता है। अच्छा। उसको भी बस फ्री, होटल फ्री। अच्छा। और जैसे अयोध्या घुमाता है आजकल, अयोध्या घुमा रहा, मथुरा, वृंदावन, अमरनाथ, वैष्णो देवी, जहाँ जिसको जाना हो वहाँ ले जाता है। सभी गवर्नमेंट से चलता है? गवर्नमेंट से चलता है। केजरीवाल का सरकार सरपंच जैसा बन रहा हो? अच्छा। सरपंच जैसा पुत्र बन रहा हो दिल्ली का? सब लोग क्या कहते हैं केजरीवाल मुख्यमंत्री बारे में? आप लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में? बढ़िया बोलते हैं हम उसके बारे में। और सरकारें लूट के खाती थी। ये लूट रहा होगा तो भी पब्लिक को फैसिलिटी दे रहा, और सरकार ने कभी दी नहीं ऐसी फैसिलिटी। अच्छा। जो रेशन सभी दे रहा है, जो रेशन सभी देता है, राशन दे रहा, सबको दे रहा। गैस का प्राइस क्या है घर पे? गैस भी चलता है? पता नहीं, 1000 रुपए के करीब है, पता नहीं। वो ज्यादा हो गया और महंगा हो गया? महंगा हो रहा है गैस तो, महंगा हो रहा है। पेट्रोल, पेट्रोल तो बढ़ गया, बढ़ी रहा, गैस भी बढ़ रहा, तिगुनी हो गई गैस। ठीक है, धन्यवाद। ये क्या है जी? ये क्या है? ये कोई नया ऑफिस बना जी, गवर्नमेंट का ऑफिस नया। पता नहीं क्या बना दी। ये यही बना है क्या? दो साल पे? नहीं पता नहीं, ये क्या चीज है? पार्लियामेंट हाउस नया बनाया इसने। पार्लियामेंट हाउस नया बनाया। अच्छा। बन रहा अभी, बना नहीं। हाँ हाँ, तो खूबसूरत लगता है दिल्ली में। बहुत ट्रैफिक है ना? हाँ जी, बहुत ट्रैफिक। नहीं मगर लोग ही बताते हैं, लोग बताते हैं बेंगलोर से कम है ट्रैफिक दिल्ली पे। ये राइट में सर, इंडिया गेट आ गया, हम इंडिया गेट पहुंच गया। प्रेसिडेंट घुस है। अच्छा ठीक है, हम इंडिया गेट पहुंच गया इधर। दिस इज ए इंडिया गेट फाइनली। ये ठीक, जल्दी उतर जाना सर, यहां रुकना गाड़ी। हेलो कैश 366 366। अब रे लगे सभी इधर ही है ना हमारा।